ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्यां ग्रहणादन दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्यदेव सबसे बड़े एक ऐसे देवता है जो कि सभी ग्रहों का जो भार होता है वो संभालते हैं। यानी कि अगर जो व्यक्ति सूर्य को प्रसन्न कर लेता है, सूर्य को मजबूत कर देता है, तो उसके जीवन में अगर कोई भी ग्रह खराब है, चाहे शनि है, चाहे गुरु है, चाहे कोई भी प्रकार के ग्रह की अगर कोई दशा है, वो उस व्यक्ति को लगती ही नहीं है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति सूर्य को मजबूत कर चुका है, सूर्य को अपने में शामिल कर चुका है। मान सम्मान में वृद्धि, तेजो वृद्धि, सरकारी नौकरियां आदि सूर्य के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। सूर्य हर प्रकार के राजयोग प्रदान करने में सक्षम होते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कुंडली में सूर्य मजबूत है तो वो व्यक्ति कहीं भी नहीं ठहर सकता है। जैसी जैसी उस व्यक्ति की इच्छाएं होती है, वो स्वतः ही सभी इच्छाएं उस व्यक्ति की पूर्ण होती चली जाती है। अगर उसके जीवन में सूर्य मजबूत है और सूर्य को उसने मजबूत किया हुआ है और अपने इष्ट की तरह वह सूर्य की उपासना करता है। आज मैं आपको सूर्य भगवान की उपासना करने का छोटा सा और सबसे ताकतवर माध्यम बताने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद में आपको कोई प्रकार के बड़े प्रपंचों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। मात्र रविवार के दिन इस प्रयोग को किया जाता है। रविवार को प्रातः 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक ताम्र पत्र के लोटे की आवश्यकता पड़ती है, पात्र की आवश्यकता पड़ती है, और तांबे का लोटा अगर आपको मिल जाए उसके अंदर आप पवित्र जल भर दीजिए और कुछ एक चिपटी चावल डाल दीजिए, एक चिपटी आप उसमें चंदन डाल दीजिए, और लाल पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो, लाल कनेर के पुष्प हो, तो उसके पंखुड़िया उसमें डाल दीजिए। तत्पश्चात आप अपनी छत पर जाएं और अपने साथ में 2 फुट का एक धागा अपने पास में रखें, और धागा या मौली जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे आप साथ में लेकर जाएं। सबसे पहले तो आप सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, यानी कि एक बार में नहीं, आपको 3 बार में जल को गिराना है और इस मंत्र का आपको साथ में उच्चारण करना है। ओम ह्रीम कर्णे सूर्य आदित्याय नमः। मंत्र दोबारा सुने, ओम ह्रीम ग्रणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए आपको सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है। तत्पश्चात आप उस धागे को अपने हाथों में ले लीजिए और दोनों हाथों से उस धागे को पकड़ करके सूर्य भगवान के सामने रखें, ऊपर करें और इस मंत्र को उच्चारण करें, और इस मंत्र का उच्चारण करते करते आपको उस धागे में 7 बार गांठें लगानी है। इस बात का ध्यान रहे कि गांठ के ऊपर गांठ ना लगे, अलग अलग लगे, और ओम ह्रीम गणी सूर्य आदित्याय नमः इसी मंत्र को बोलते हुए आपको धागे में गांठें लगानी है। तत्पश्चात नीचे आकर के आप उस जो धागा है उसे अपने दाएं हाथ में धारण करें, महिला है तो उसे बाएं हाथ में धारण करें, और आप कुछ इसका चमत्कार देखेंगे। आपके कार्य में आने वाली बाधाएं रुकावटें दूर होगी और आपकी परेशानियां ख़त्म होगी और आपका स्वयं का वर्चस्व बढ़ेगा, इज्जत होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है, और अभीष्ट वरदान की भी प्राप्ति होगी। धन्यवाद।